दोस्तों की कहानी है, तीनों की दोस्ती होती है जेल में। रवि उराव, संचू और एक और आरोपी है जिसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा। घटना के बाद आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भागा गया था। हमारी टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल के 34 नंबर के आधार पे मोटरसाइकिल के मालिक को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उर्मिला गुप्ता की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं, बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, लेकिन तब भी पुलिस के लिए वो काफी नहीं होते हैं। रत्तू ने पूरा खुलासा किया कि कैसे वो वारदात को अंजाम दिए। उन्होंने बताया कि तीनों जो है जेल में बैठकर ये प्लानिंग किए थे कि कोई बाहर निकलेंगे तो बैंक लूटेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहूर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि कैसे अपराधी जेल में रहते हुए ये प्लानिंग करते हैं कि जेल से बाहर निकलेंगे तो ये कांड करेंगे, ये अपराध की दुनिया में फिर से वापस जाएंगे। जबकि जेल में भेजा जाता है सुधरने के लिए, लेकिन जेल से बाहर निकलने के बाद अक्सर देखा जाता है कि अपराधी फिर से वही कांड करते हैं जिसकी वजह से वो जेल में जाते हैं। तीन दोस्तों की कहानी है, तीनों की दोस्ती होती है जेल में। रवि उराव, संचू और एक और आरोपी है जिसके बारे में आपको आगे जानने को मिलेगा। इन तीनों की दोस्ती होती है और तीनों प्लानिंग करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो बैंक लूटेंगे। चूंकि एक आरोपी पहले से बैंक लूटने के आरोप में 2015 से जेल में बंद था, बाहर निकलते हैं। निकलने के बाद बाइक मांगते हैं, बाइक भी उसी से मांगते हैं जिससे उसका कनेक्शन था, जिससे उसकी दोस्ती थी। बाइक मांगते हैं, बाइक मांगने के बाद उस बाइक का नंबर प्लेट गायब किया जाता है और उसके बाद ये पहुँच जाते हैं जशपुर जिले के कासाबल थाना क्षेत्र के बटई केला गाँव में, जहाँ पे 5 नवंबर को एक बड़ा वारदात हुआ था। एक बड़ी ऐसी वारदात हुई थी जिस वारदात को सुनकर आप सब सन्न रह जाएंगे। ये लूटने की नीयत से जाते हैं। लूटने की नीयत के दौरान जब लूट की वारदात को अंजाम देते हुए, तभी संचू गुप्ता जो उस दुकान का संचालक है, ग्राहक सेवा केंद्र संचालित करता है, उसकी दादी उर्मिला गुप्ता सामने आ जाती है और उसके बाद उर्मिला गुप्ता पर ये गोली चला देते हैं जिसकी उसकी हत्या हो जाती है। उर्मिला गुप्ता की मौत हो जाती है ऑन द स्पॉट। उसके बाद पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंचती है तो बहुत सारे सबूत मिलते हैं, बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, लेकिन तब भी पुलिस के लिए वो काफ़ी नहीं होते हैं। पुलिस की टीम जांच करती है। आईपीएस शशि मोहन खुद मौके पर पहुंचते हैं अपनी टीम को लेकर। जशपुर जिले के पुलिस कप्तान है, पुलिस अधीक्षक है। अपनी टीम को लेकर जब पहुंचते हैं तो एक एक चीज़ों को बारीकी से देखते हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुंचती है, एक एक चीज़ों पर नज़र दौड़ाई जाती है, लेकिन पुलिस के पास सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सबूत था। वो था वो बाइक जिसे छोड़कर ये आरोपी यानी कि लुटेरे हत्यारे भाग निकले थे जंगल की ओर। उस बाइक के सहारे पुलिस पहुंचती है बाइक के मालिक तक, क्योंकि बाइक का 34 नंबर देखा जाता है कि 34 नंबर किसके नाम पर है, ये बाइक किसके नाम पर है। बाइक के मालिक से पूछताछ की जाती है, वो कहता है कि मैं तो रंचू और रवि उराव को बाइक दिया था कुछ दिन पहले, 20 दिन पहले ये दोनों बाइक लेते हैं। बाइक लेने के बाद नंबर प्लेट गायब करते हैं और वारदात को अंजाम देने से पहले पेट्रोल टंकी जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। उनमें से एक आरोपी दूर ही खड़ा रहता है, दूसरा आरोपी उस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नज़र आता है। पुलिस के पास ये दूसरा सबूत होता है। इससे पहले पुलिस 11 पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। इसके अलावा मुखबिरों को अलर्ट किया जाता है। इसके अलावा टेक्निकल सपोर्ट लिया जाता है। टेक्निकल सपोर्ट आप समझ गए होंगे, साइबर टीम को लगाया जाता है। और मुखबिर यानी आप समझ गए होंगे उन पुराने अपराधियों से पूछताछ की जाती है जो इस तरह के मामलों को अंजाम देते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस की टीम पहुँचती है जैसे तैसे रवि उराव तक। रवि उराव से कनेक्शन क्या है ये देखना पड़ता है, क्योंकि रवि उराव वही आरोपी है जो 2015 में जेल में बंद था बैंक लूटने के मामले में। मुखबिर सूचना देता है कि भैया ऐसा एक आरोपी है जो बैंक लूटा था। पुलिस तमाम आरोपियों की कुंडली निकालती है कि इस तरह के मामलों को कौन कौन अंजाम दे सकता है। उसके बाद पुलिस पहुंच जाती है रवि उराव तक और रवि उराव के बाद पहुंचने के बाद रवि उराव का मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाता है, वो आखिरी बार किस किस से बात किया था। रवि उराव के फ़ोन डिटेल निकाला जाता है, CDR खंगाला जाता है, जिसमें पता चलता है एक आरोपी रत्तू जो गांव का रहने वाला है, बटई केला का रहने वाला है, रत्तू के बारे में पता चलता है कि आखिर झारखंड का रहने वाला रवि उराव रत्तू से क्यों बात कर रहा है। जिस गांव में जिस घटना हुई है, जिस वारदात को अंजाम दिया गया है, उसी गाँव के रहने वाले से इसका क्या कनेक्शन। पुलिस पहुंचती है रत्तू के पास और रत्तू को उठाने के बाद जब रत्तू से पूछताछ की जाती है सघनता से, रत्तू झूठ पे झूठ बोलता है। लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस अपने पे आ जाती है, जब पुलिस अपने पे पूछताछ करने लग जाती है, तो अच्छे अच्छे के बयान बदल जाते हैं, कई बड़े गुंडे सच कबूलने लग जाता है। तो इस मामले में भी बिल्कुल वैसे ही हुआ।
रत्तू ने सारा राज खोल दिया जिसे छिपाने की कोशिश में वो लगातार लगा रहा। रत्तू ने पूरा खुलासा किया कि कैसे वो वारदात को अंजाम दिए। उन्होंने बताया कि तीनों जो है जेल में बैठकर ये प्लानिंग किए थे कि कोई बाहर निकलेंगे तो बैंक लूटेंगे और बैंक की लूटने की वारदात को अंजाम दिए। उन्हें मालूम था कि जिस ग्राहक सेवा केंद्र में लूटने जा रहे हैं संचू गुप्ता के जो जिसका नाम है और जिसकी मौत हुई जिसकी हत्या हुई है उसकी दादी है उर्मिला गुप्ता। उर्मिला गुप्ता को इन्होंने मारा है। उर्मिला गुप्ता अपने पोते को बचाने के लिए सामने आती है और उसी बीच जब इनके बीच वाद विवाद बढ़ जाता है जुमा झटकी बढ़ जाती है तभी जो है ये गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद ये भागने की फिराक में थे। जब भागते हैं सभी जंगल की ओर भागते हैं और पुलिस की टीम भी पीछे पीछे जंगल पहुंच जाती है। एसपी खुद शशि मोहन जंगल की ओर जाते हैं। एडिशनल एसपी एसडीओपी थाना प्रभारी कई जिलों के कई इलाकों के जो है अधिकारी पहुंचते हैं वहां पे और उसके बाद सर्चिंग तेज होता है। तभी रत्तू और रवि ये तय करते हैं कि अब अलग हो जाना ही सही है। ये तत्काल अपना मोबाइल से सिम निकालते हैं। सिम निकालने के बाद उसे चबा जाते हैं। चबा जाने के बाद उसे तालाब में फेंकते हैं मोबाइल समेत। मोबाइल को अलग करते हैं, सिम को अलग करते हैं, तालाब में फेंकते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। लेकिन रत्तू वापस अपने गाँव आता है। उसे लगता है कि पुलिस उस तक नहीं पहुँच पाएगी, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन जब तक वो सोचता तब तक पुलिस जो है रवि उराव का कनेक्शन ढूंढ चुकी होती है और रवि उराव से कनेक्शन निकालते निकालते रत्तू तक पहुंचती है और रत्तू पूरे राज को खोलता है कि कैसे उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद इन्होंने क्या कुछ किया। इनकी बदकिस्मती थी कि उनकी बाइक सही समय पर चालू नहीं हो पाई और एक शख्स जो ये वहां पे मौजूद था उसने काफी उसे पकड़ने की कोशिश की और जब ये भागने की फिराक में जब ये वारदात को अंजाम दिए जब इन्होंने गोली चलाई थी उसी बीच ये दोनों भाग रहे थे वहां पे लेकिन उनमें से उनके स्टाफ का एक शख्स था जो उसे पीछे से पकड़ा था और पीछे से पकड़ने की वजह से इनकी गाड़ी आगे नहीं चली और वो भागने लगे। गाड़ी छोड़कर यानी कि बाइक छोड़कर ये भागने लगे। पुलिस ने इस मामले को लेकर 16 घंटे में खुलासा कर दिया है। टेक्निकल सपोर्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था, दूसरा मुखबिरी इंपॉर्टेंट था और तीसरा जो मौके पर जो सबूत मिले थे जो बाइक मिला था उस बाइक के चेचिस नंबर से पुलिस उन तक पहुंची है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि तीन दोस्त जेल में रहकर ये प्लानिंग करते हैं और जेल में रहने के बाद प्लानिंग को अंजाम देने यानी कि वारदात को अंजाम देने के निकल पड़ते हैं। 3.5 लाख रुपए था जिस ग्राहक सेवा केंद्र को ये लूटने वाले थे। आगे आप सुनिए इस विषय को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है। इस मामले में रवि उराव फरार है जिसकी पुलिस सरगर्मी से खोजबीन में लगी हुई है। पुलिस का दावा है कि रवि उराव जो मास्टरमाइंड है वो भी पकड़ा जाएगा। आगे आप सुनिए इस मामले को लेकर आईपीएस शशि मोहन सिंह ने क्या कुछ डिटेल दिया, क्या कुछ खुलासा किया, वो आप आगे वीडियो में देखिए। भटाई किला में लूटने के प्रयास के दौरान जो कल हत्या हुई थी उस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और घटना के बाद आरोपियों के द्वारा मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भागा गया था। हमारी टीम जंगल में सर्चिंग कर रही थी और मोटरसाइकिल के चेचिस नंबर के आधार पे मोटरसाइकिल के मालिक को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। साथ ही मुखबिर से हमें सूचना मिली थी कि इस तरह के वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी रवि उराव जो पहले भी बैंक लूटने के मामले में जेल में बंद था उस पर हमारी नज़र थी और उसको आधार बना के जब हम लोगों ने अपनी विवेचना शुरू की तो वो गुमला का रहने वाला है। वहाँ से लेकर घटनास्थल तक के बीच में जो 11 पेट्रोल पंप थे सभी के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया जिससे हमें एक सुराग मिला कि एक जगह ये कांसाबेल में पेट्रोल भराने आया था वहाँ से। साथ ही उसने उसके हमारी साइबर सेल की टीम की सहायता से भी हम लोगों ने इसमें मदद लिया और जो दूसरा आरोपी है जो इसके साथ में घटना को अंजाम दिया रत्तू राम जो उसी गांव भटाई कला का रहने वाला है इस दोनों के बारे में हम लोगों ने जानकारियां इकट्ठी की और इसको रात में हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछताछ किया गया, पहले तो इनकार करता रहा लेकिन जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया तो ये टूट गया और सारी घटना को बताया कि जेल में रहने के दौरान ही इनके बीच में दोस्ती हुई थी और जेल से छूटने के बाद ये प्लानिंग किया गया। पता किया गया कि कहाँ कहाँ पर इस तरह के बैंक है। इसमें रत्तू राम ने स्थानीय होने के नाते पूरी सहायता किया, दोनों लोग आए और यहाँ पर घटना को अंजाम दिए। इसमें 2 आरोपी जो अभी फरार हैं उनके बारे में हमारे पास महत्वपूर्ण सुराग लगे हुए हैं, बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।